सेक्शन 312 जो है ये पनिश करता है अगर कहीं पे कोई फीमेल है खुद अपना मिस करती है या मान लीजिए कि, कि किसी इंसान ने उस औरत के कंसेंट से उसका मिस करा यानी प्रेगनेंसी है उसको एबॉर्ड कर दिया उसको मिस कर दिया अब ये अबॉशन मिस कैरेज बर्थ ये मेडिकल टर्म्स हैं लेकिन आमतौर पे हम लोग इसको इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं मेडिकली क्या होता है जो तीन थ्री मंथ्स की प्रेगनेंसी के अंदर जो है जो एक्सपल्जन होता है वो असल में उसको आमतौर पर मेडिकल लाइन में हम लोग कहते हैं एबॉशन और थ्री मंथ्स से सेवन मंथ्स के बीच में जो एक्सपल्जन होता है फीटस का या अनबॉर्न का उसको हम लोग कहते हैं मिस और उस सेवन से एट मंथ्स और नाइन मंथ्स के पहले अगर कोई डिलीवरी होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्री बर्थ तो ये डील करता है कॉजिंग मिसकैरेज के ऊपर तो ये कह रहा है हूएवर वॉलंटेयरली कॉजेस अ वोमेन विद चाइल्ड टू मिसकैरी ये कह रहा है कोई भी इंसान वॉलंटेयरली जानबूझ के कॉज ऑफ कॉजेस अ वोमेन विद अ चाइल्ड टू मिसकैरी विद अ चाइल्ड टू मिसकैरी का मतलब हुआ कि हूएवर वॉलंटेयरली कॉजेस अ वुमन विद अ चाइल्ड मतलब कि जो प्रेग्नेंट वुमन है द वन हुज हैविंग अ चाइल्ड तो विद अ चाइल्ड टू मिसकैरी। अगर कोई इंसान किसी औरत को मिसकैरेज करता है जो प्रेगनेंसी में है गुड फेथ का मतलब यहां यानी अगर वो मिसकैरेज इसलिए नहीं किया गया फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ द वुमन कि औरत की जान को खतरा है औरत की जान बचाने के अलावा अगर किसी वजह से भी मिसकैरेज किया गया अबॉर्ट किया गया दवा खा के या किसी भी तरीके से तो वो सेक्शन 312 के अंदर पनिशेबल ऑफेंस है ये एक अपराध है तो उस जगह पे पनिशमेंट जो बताई गई है तीन साल इसके अंदर औरत भी आ जाएगी अगर औरत अपनी सहमति देती है ठीक है वो ये नहीं कह सकती कि मैंने कंसेंट दिया था इसलिए अबॉर्ट हुआ है अगर वो कंसेंट दे देगी तब भी ये पनिशेबल है Child, और 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 फाइन बोथ एंड इफ द बी क्विक चाइल्ड जहां पे अगर औरत है क्विक क्विक चाइल्ड चाइल्ड का मतलब होता है कि जहां पे मंथ्स की प्रेगनेंसी के बाद जहां पे जो महिला होती है वो बच्चे के मूवमेंट को महसूस करने लग जाती है तो बच्चे का जब मूवमेंट शुरू हो जाता है तो फिर हम उसे कहते हैं क्योंकि मूवमेंट शुरू हो जाने का मतलब यानी क्विक विथ चाइल्ड का मतलब कि एडवांस स्टेज की प्रेगनेंसी अगर एडवांस एक

मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 हम लोग 1971 में इस एक्ट को लेके आए हैं ये अलग एक्ट है यानी ये अलग कानून है आईपीसी के अलावा इसको इसी स्पेसिफिक इस मामले को मिस कैरेज को के लिए जो है इसको अलग से बनाया गया है कि कौन एबॉशन कर सकता है कौन अबॉर्ड कर सकता है किसी महिला की प्रेगनेंसी को किसके पास ये पावर होगा और कब कब किया जा सकता है उनकी शर्तें क्या होगी ऐसा नहीं कि उनकी मर्जी आ गई कि अबॉर्ड कराना चाहते हैं तो वो अबॉर्ड करा लेंगी नहीं इस एक्ट के अंदर इसके सेक्शन थ्री में बताया गया है कि वो कौन कौन सी शर्तें हैं जैसे औरत की जान बचाने के लिए मेंटल हेल्थ और अगर फिजिकल कोई उसको लग रहा है कि दिक्कत होगी बच्चे के अंदर एबनॉर्मेलिटी पैदा बन सकती है अगर ये पता चलता है रेप हुआ है उसके वजह से प्रेगनेंसी हो गई है तो कई कारण इस

जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होंगे वो अवॉर्ड कर सकते हैं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जिनका स्टेट के अंदर जो मेडिकल होता है उसके अंदर उनका नाम रजिस्टर हो तो जो रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर है सिर्फ वही इसका अलावा कोई करेगा तो ये ऑफेंस हो सकता है तो ये है सेक्शन 312 हंड्रेड आईपीसी का इसके बाद आता है सेक्शन 313 हंड्रेड एंड थर्टीन कॉजिंग मिस कैरेज विदाउट वुमेन्सेंट इससे 312 में हमने क्या पढ़ा था कि जहां पे औरत खुद अपनी कंसेंट से मिसकेरेज करवा रही है

उसकी प्रेगनेंसी के बारे में जानने के बाद उसने क्या करा किसी डॉक्टर से उसने कोई दवा लिया और वो दवा जो है उस औरत को खिला दिया औरत को को नहीं पता को नहीं पता पता था था उसकी वाइफ कि हमें जो दवा खिला रहा है इसकी वजह से मिस हो जाएगा तो उस उसका लास्ट प्रोसीडिंग सेक्शन विदाउट दंसेंट ऑफ दुम विदाउट दुम चाइल्ड और नॉट चाहे औरत ने बच्चे का जो मूवमेंट है वो महसूस करना शुरू कर दिया है या नहीं शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट

हु एवर विद इंटेंट टू कॉज द मिस कैरेज ऑफ अ वमेन कोई इंसान इस नीति से कि वो किसी औरत का मिस कैरेज कर सके जो प्रेगनेंट है डज एनी एक्ट विच कॉज़ द डेथ ऑफ सच वुमन अब कोई इंसान जो है मिस कैरेज की करने की इंटेंशन से कोई कार्य करता है अगर कोई इंसान किसी औरत के जो प्रेगनेंसी है उसको करने के लिए कोई काम करता है नियत क्या है अगर कोई चीज एडमिनिस्टर करता है उसको या चीज देता है या कोई इंजेक्शन लगाता है और अगर 299 के अंदर दी गई हुई जो शर्तें हैं वो सेटिस्फाई होती हैं

ऐसा कोई काम करना ऐसा कोई एक्ट करना जिससे कि बच्चा जो है या तो पेट के अंदर मर जाए और या तो पैदा होते ही मर जाए लेकिन वो एक्ट कब किया है जिस वक्त औरत प्रेग्नेंट प्रेगनेंसी में है जब तक मिसकैरेज नहीं हुआ है जिस वक्त बच्चा पेट के अंदर है उस वक्त कोई एक्ट किया है किस लिए ताकि बच्चे को जिंदा ना पैदा होने दे और या अगर पैदा हो तो उसके बाद वो मर जाए लेकिन अगर पैदा हो गया